नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये 25 प्लस ईयर ओल्ड फीमेल हैं और इनके कुछ क्वेश्चंस हैं। फॉरेन कंट्री जाना चाहती हैं तो फॉरेन कंट्री में ही सेटलमेंट होगा कि फॉरेन कंट्री में ही शादी होगी या इंडिया में होगी, लव मैरिज होगी कि अरेंज्ड होगी, और हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या उपाय है वो भी हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो कुछ इस प्रकार के इनके क्वेश्चंस हैं, तो चलिए आइए देखते हैं। और हाँ, शादी कब तक होगी तो चलिए देखते हैं इनका हाथ हमें क्या बताता है। तो सबसे पहले जब हम हाथ को देखते हैं तो सुंदर सा पिंक कलर का पाम है और पिंक कलर का पाम जीवन में अच्छी ग्रोथ सक्सेस दिखाता है। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है इनका फॉरेन कंट्री से रिलेटेड है, तो यहाँ से देखिए ये फॉरेन कंट्री के पूरे प्रॉपर योग दिखा रहा है। ये हैंड टोटली फॉरेन कंट्री का है, फॉरेन कंट्री से बेनिफिट्स मिलना, फॉरेन कंट्री में अच्छी ग्रोथ मिलना, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें सेटलमेंट की बात करें तो ये देखिए ये काफ़ी लंबे समय तक फॉरेन कंट्री रह सकती हैं, लेकिन बाद में इनको अपनी इंडिया ही अच्छी लगेगी, इनको लगेगा कि मुझे अपने देश लौट के आना चाहिए, ऐसे मन में इनके विचार रहेंगे इनके। अब बात करते हैं कि इनकी शादी की भी, तो शादी का जो क्वेश्चन है कि शादी कब तक होगी और कहां पर होगी। इनकी शादी की बात करें तो इनका समय, जैसे इनकी एज अभी 25 प्लस हैं ये, तो इनकी तकरीबन 28 के आसपास शादी के अच्छे योग मुझे दिख रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो शादी के अच्छे योग दिख रहे हैं। शादी में इनके मुझे लव मैरिज का सीन ज़्यादा दिखाई देता है, परिवार की सहमति से ही शादी होगी लेकिन लव मैरिज का सीन दिखता है। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो शादी है वो ये इंडिया आके करेंगी, इंडिया आके ही शादी इनकी होगी। अब बात करें कि शादीशुदा जीवन कैसा चलेगा, तो शादीशुदा जीवन इनका अच्छा चलेगा। शादी के बाद जैसे बात करें तो आपस में बॉन्डिंग और तालमेल बिठाना, ये चीज़ों में ये काफ़ी ज़्यादा आगे रहेंगी। यहाँ पर अगर हम बात करें, अब देखिए इनके हाथ जो है ये रेक्टेंगुलर पाम है। ये पाम रेक्टेंगुलर पाम वालों की ज़्यादातर मस्तिष्क रेखा काफ़ी शार्प होती है, लंबी मस्तिष्क रेखा होती है, माइंड काफ़ी शार्प होता है और जैसे लॉजिकल रीजनिंग इनकी बहुत शार्प होती है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है माइंड में। जैसे होता है ऐसे लोग मैथ्स वगैरह में भी कई बार काफ़ी होशियार दिखे जाते हैं, कैलकुलेशंस में, क्रिएटिविटी में बहुत आगे होते हैं। अब बात करें तो यहाँ पर इनके हाथ में देखिए ये देखिए मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा आगे काफ़ी पहले से अलग हो रही है, तो एक अलग तरीके की विचारधारा भी होती है और इंडिपेंडेंट स्वभाव इनका देखा जा सकता है। और कई बार होता है थोड़ा मदर से भी कम पटरी खाती है, या जैसे बच्चे फादर की टुवर्ड्स ज़्यादा इंक्लाइंड है ऐसा देखा जाता है, इंडिपेंडेंट नेचर काफ़ी ज़्यादा है। और ये देखिए यहाँ पर लाइन ऑफ एम्बिशन है, जीवन में कुछ बड़ा करने की इच्छा रखती हैं। यहाँ पर वशिष्ठ रेखा का देखिए थोड़ा सा ये बदलाव दिखता है, तो वर्कलोड हमें दिखाई देता है कि थोड़ा आगे जीवन में वर्कलोड, जिम्मेदारियाँ होना, वर्कलोड होना, ये चीज़ें दिख रहा है। और बात करें तो अपने जैसे होता है ना, जब हम कोई काम करते हैं, कोई सक्सेस हम पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें मेहनत भी करनी होती है और वर्कलोड भी हमें उठाना पड़ता है, तो वो चीज़ आगे दिख रही है। तो मस्तिष्क रेखा अच्छी खासी चल रही है। और ये देखिए यहाँ पर तकरीबन 50 के आसपास इनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा, काफ़ी दूर का समय है हालाँकि ये, बट ये काफ़ी जैसे कहते हैं कुछ बड़ा इनोवेटिव करके दिखाना, वो चीज़ हमें दिखती है। यहाँ पर इनके हाथ में जो है ये देखिए जीवन रेखा, यहाँ पर भी जीवन में बदलाव दिख रहा है। देखिए यहाँ पर मस्तिष्क रेखा में बदलाव है, तो ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाना, जो कि हम ये देखते हैं कि जब हम फॉरेन कंट्री इंसान जाता है तो देखिए परिवार वालों को छोड़ के भी जाता है, साथ ही साथ क्या होते हैं वहाँ की दुनिया अलग होती है, वहाँ के माहौल में ढालना, तो एक तरह से माइंडसेट भी चेंज हो जाता है। तो इसलिए मस्तिष्क रेखा में चेंज हमें दिख रहे हैं, जीवन रेखा में भी यहाँ चेंज हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये हम कोई स्ट्रगल नहीं बोलेंगे, लेकिन एक तरह का चेंज है। अब ये देखिए यहाँ पर ये ट्रैवल्स काफ़ी दिख रहे हैं इनके हाथ में, ये काफ़ी ज़्यादा राहु रेखाएं ट्रैवल्स दिखते हैं इनके हाथ में। और यहाँ पर बात करें तो ये देखिए तकरीबन जो है हाथ में ये देखिए 28-29 के आसपास जीवन में बेनिफिट्स भी दिख रहे हैं, तो 28-29 के आसपास जीवन में बदलाव आना, शादी का अगर हम देखें तो शादी का सीन भी हमें दिखाई देता है, तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, बदलाव भी दिख रहा है, चेंज ऑफ जीवन चेंज होना, बेनिफिट्स मिलना, ये सब चीज़ें। और तकरीबन 35 के आसपास अगर हम बात करें तो
तो 35 के आसपास जीवन में एक ट्रमेंडस चेंज भी आना दिखाई दे रहा है, जैसे एक बड़ा बदलाव जीवन में दिखता है वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर इनके मंगल पर्वत पे एक छोटा सा तिल है, तो क्या होता है कि कभी कभी ऐसे में अगर लैंड रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं या फिर कई बार जैसे थोड़ा सा जो होता है ना एंगर इश्यूज़ वो चीज़ है, जैसे लोग ऐसे टकराना जो फ्रस्ट्रेट करते हैं ऐसे लोग थोड़ा सा, तो ऐसे में हर मंगलवार इनको दान करना चाहिए। जैसे पेरेंट्स इंडिया में हैं तो पेरेंट्स दान करें इनके बिहाफ में हर मंगलवार को, किसी नीडी पर्सन को खाना खिला सकते हैं, स्ट्रीट वेंडर को बोल सकते हैं कि भाई उनके स्ट्रीट वेंडर को पैसा दे दें, वो उनकी तरफ से खाना खिला दें, इस तरह का डोनेशन करना ठीक रहता है। यहाँ पर अगर हम देखें आगे जाके और बेनिफिट्स की बात करें तो ये देखें समय समय पर रेखा में बेनिफिट्स दिख रहे हैं, हर 3-3 साल में ग्रोथ सक्सेस अच्छी खासी जीवन भर दिखाई दे रही है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फॉरेन कंट्री से ही बेनिफिट्स इनको सारे दिख रहे हैं, दूर होम टाउन से रह के काफ़ी ये देखें फॉरेन कंट्री से इनकम, ऑनलाइन इनकम्स, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पर हाथ में देखिए ये काफ़ी बड़ी रेखा दिख रही है, तो जैसे बचपन से ही माता पिता का एक बहुत बढ़िया, ये देखिए काफ़ी बड़ा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी बड़ा सपोर्ट, और भी लोगों का सपोर्ट है, ये काफ़ी लंबा सपोर्ट दिखाई दे रहा है जीवन में, तो दो लोगों का सपोर्ट काफ़ी बड़ा दिखता है। यहाँ पर इनके हाथ में बात करें तो भाग्य रेखा की, यहाँ से भाग्य रेखा इस प्रकार से चली, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर प्रेजेंट समय में ये कि कट भी आ रहा है, ये चेंज बिल्कुल ट्रैक बदल गया, भाई इंडिया से इंसान फॉरेन कंट्री जाता है तो उसकी जिंदगी बदलती है, और जैसे होता है कि वहाँ पे जाके जॉब करना तो आपकी एक तो लाइफ का लाइफ चेंजिंग इवेंट चलना। फिर तकरीबन इनके हाथ में 30 वर्ष के आसपास फिर एक चेंज हमें दिखाई देता है, तो वो भी हमें दिख रहा है जैसे हमने यहाँ लाइफ लाइन पर भी देखा था, और यहाँ पर 35 के आसपास एक चेंज हमें दिखता है, सॉरी 35 के आसपास एक 38 के आसपास कुछ इन्वेस्टमेंट्स करती हुई दिख रही हैं ये। और बात करें तो आगे ये देखिए यहाँ से भी एक रेखा इस प्रकार से चल के जुड़ना, तो ये देखिए ये चला जा रहा है आगे, यहाँ से भी एक रेखा का आना, तो पैसे के सोर्स ऑफ इनकम भी बने रहना, और भी सोर्स ऑफ इनकम भी बने रहना, तो जैसे कहते हैं ना कि अलग अलग सोर्सेस ऑफ इनकम भी आना, तो यहाँ पे 35 के बाद आसपास ही जीवन में एक ट्रमेंडस चेंज हमें दिखता है, एक 30 के आसपास दिख रहा है, एक 35 के आसपास, तो उनके जीवन में काफ़ी बदलाव भी आएंगे, पॉजिटिव चेंज भी आएंगे। और यहाँ पे ये देखिए रेखा का इस प्रकार से चलना, यहाँ पर देखें तो ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया लोटस का चिन्ह हमें इनके हाथ में दिखाई दे रहा है, तो लक्ष्मीवान बनाता है, ऐसे लोगों के ओल्ड एज भी लग्जीरियस होती है और काफ़ी रुपये पैसा बहुत रहता है, रुपये पैसे की दिक्कत नहीं आती। यहाँ पर इनके हाथ में मैं एक चीज़ बोलूँगी कि देखिए थोड़ा सा ये जो है ना काफ़ी रेखाओं का जाल है, कट्स बहुत हैं, मतलब हाथ में जैसे कहते हैं ना जब रेखाएं तो अच्छी हैं लेकिन कट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो कई बार होता है इंसान ओवर थिंकिंग का शिकार भी होता है, देखिए पाउडर का फंस जाना यहाँ पे, ओवर थिंकिंग का शिकार होना, और साथ ही साथ एक कट्स क्रॉसेस देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ये रेखाओं का जाल सा हमें दिख रहा है बहुत ज़्यादा। ये तो ये क्या है, गायत्री मंत्र करें, दिन में 3 बार गायत्री मंत्र बोलें, 3 माला नहीं 3 बार गायत्री मंत्र बोलें, खुद बोलें, उससे इन्हें बहुत रिलीफ मिलेगा। 3 से 6 महीने में रेखाओं में जो ये कट्स क्रॉसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ये कट्स क्रॉसेस जो है ये फालतू के कट्स क्रॉसेस ये जो, तो ये सब दूर हो जाएंगे, ये जो काम में अड़चने आती हैं, काम में रुकावटें बनाते हैं, ये क्या होता है जो कट्स क्रॉसेस जब हाथ में ज़्यादा हो, रेखाओं का जाल से दिखे, तो क्या इंसान के जीवन में जो वो काम कर रहा है उसमें अड़चने आना, और रेखाएँ कितनी अच्छी क्यों ना हो, हाथ में अच्छे अच्छे चिन्ह क्यों ना हो, लोटस का चिन्ह हो चाहे कोई मछली का चिन्ह, लेकिन उसके बाद क्या होता है इंसान को ऐसा लगता है कि काम धीरे बन रहे हैं, स्टक हो के बन रहे हैं, तो वो चीज़ को हमें दूर करना, उस नेगेटिविटी को दूर करना के लिए गायत्री मंत्र सबसे अच्छा होता है। तो ऐसे में क्या होता है इंसान को जब गायत्री मंत्र करता है 3 से 6 महीने तक लगातार करने पर ये सारी रेखाओं का जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं नेगेटिव रेखाओं का ये नलीफाई हो जाता है और इंसान को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो गायत्री मंत्र हो जैसे सुबह नहा के इंसान भगवान के आगे हाथ जोड़ता है तो उसी समय गायत्री मंत्र को 3 बार 3 माला नहीं 3 बार से गायत्री मंत्र बोल लें वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब इनकी हृदय रेखा पर आते हैं ये देखिए अब देखिए हृदय रेखा की
यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, ये देखिए यहाँ से हृदय रेखा इस प्रकार से यहाँ तक आ रही है, हेल्पफुल नेचर होना, लेकिन हृदय रेखा भी डिस्टर्ब है, जल्दी विश्वास कर लेना। इनको ये समझना होगा कि भाई जैसे अब ये परिवार से भी दूर है तो जल्दी किसी पे विश्वास ना करें, तो ऐसे में क्या होता है कि इंसान को धोखे मिलते हैं, तो वो चीज़ होना, या कई बार होता है परिवार वालों को मिस कर रहे हैं दूर जाके, ऐसी चीज़ों को फेस करना, ये चीज़ हमें दिख रही है। तो ये जैसे मन में घबराहट सी होना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलना, तो ये सब चीज़ें भी जैसे गायत्री मंत्र के जाप से ठीक होती हैं। अब ये देखिए यहाँ पर हाथ में हमने एक चीज़ और, यहाँ पर एक बड़ा अच्छा एम का चिन्ह बन रहा है, ये कुछ इस प्रकार से। एम का चिन्ह चार मुख्य रेखाओं से बनता है, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा, जीवन रेखा। होता क्या है कि मस्तिष्क अच्छा होने से ये जो है अपने मस्तिष्क का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, अपने भाग्य को संवारते हैं, जीवन को अच्छा करते हैं, हृदय को खुश करते हैं, इस तरह से ये एम का चिन्ह काफ़ी भाग्यशाली माना जाता है। अब हाथ में देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये धन की तिजोरी अच्छी बन रही है, ये देखिए इस प्रकार से, और जीवन में अच्छी सेविंग्स भी ये कर पाएंगे, मनी ट्रायंगल भी अच्छा बना हुआ है। अब इनके हाथ में देखिए जीवन का ग्राफ, ये देखिए ये शुरुआती जीवन में स्ट्रगल है, बाद के जीवन में काफ़ी आराम है। अब देखिए हाथ में यहाँ पर इनकी एक चीज़ मैं और बोलूँगी, ये देखिए मैरिज लाइन भी ये अच्छी मैरिज डिनोट कर रही है। ये देखिए कोई दूर से रिश्ता आना दूर दराज में, और शादी के बाद जैसे हम इनका शादी इंडिया में होगी लेकिन दूर रहना है, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। और पसंद से शादी हमने जैसे देखा था हाथ में, पसंद से शादी दिख रही है। अब यहाँ पर देखिए हाथ में, ये देखिए ये इधर जो गुरु की फिंगर है, गुरु की फिंगर टिल्टेड है, यानी कि इसका झुकाव इधर की तरफ है, रिलीजियस माइंडेड भी बनाता है। थोड़ा सा हाथ में झरोखा हमें दिखता है, जो खर्चे करने के शौकीन भी हमें दिखाता है। यहाँ पर देखिए सूर्य की फिंगर लंबी है, अपने जीवन में अपना इंडिपेंडेंट बनना, मैं अपना इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, मैं अपने आप अपने बलबूते पर कुछ कर दिखाना चाहती हूँ। छोटी फिंगर फर्स्ट फैलेस तक नहीं आती है। यहाँ पर देखिए भोले स्वभाव के कारण ठगे जाना इनकी, ये देखिए ये फिंगर जो है ये नीचे काफ़ी अच्छी स्पेस ली हुई है ये, और ये बुध का एरिया बड़ा है ये, अगर हम देखें तो ये फिंगर का टॉप पोर्शन बड़ा, बुध की फिंगर का काफ़ी बड़ा है, तो बुद्धिशाली बनाता है, लॉजिक रीजनिंग ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं देखने में। लेकिन फिर भी इनको जैसे होता ना भोले स्वभाव के कारण लोग ठग लेते हैं, वो चीज़ से इनको बचना होगा। अभी इनकी एज कम है तो लाइफ में एक्सपीरियंस, अभी से अलर्ट होकर इनको चलना होगा। अब चलते हैं इनके हाथ में फिंगरप्रिंट्स की ओर, देखें इनके हाथ के फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी हाथ में बात करें तो दूर से शादी होने के योग दिखते हैं, इस तरह की चीज़ें हमें दिखती हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार का उलना लूप है, इस प्रकार का उन्नर लूप जब भी होता है इंसान अपने जीवन में क्या होता है, काफ़ी अच्छा लर्नर होता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मैं और सीखना चाहता हूँ, रुकावटें आ रही हैं मेरे काम में, रुकावटें मुझे देखने को मिल रही हैं, चीज़ें स्लो चल रही हैं। बाद के जीवन में काफ़ी कुछ लर्न करके अपने पूरे जीवन का ज्ञान यूज़ करते हुए अपने लाइफ को बहुत बेहतर बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए इनके हाथ में यह कट्स आना, ये देखिए ये कट्स, पीठ पीछे बुराई मिलना, ये देखिए ये काफ़ी नेगेटिविटी, काम में रुकावटें बहुत हैं, ये देखिए यहाँ पर भी ये। तो मैंने जैसे कहा गायत्री मंत्र के जाप से ये सारे जो है इनका असर जो है नलीफाय होने लगता है। अब यहाँ पर देखिए हाथ में शनि की फिंगर में इस प्रकार से ये उन्ना लूप हमें दिखता है। होता क्या है इंसान अपनी लाइफ में ना मतलब जैसे जीवन का ज्ञान सीख जाता है, कौन मेरे अपने हैं, कौन पराए हैं, कौन मेरे अच्छे समय के साथी हैं, कौन मेरे बुरे समय के साथी हैं, इन चीज़ों का बहुत बेहतरीन ज्ञान हो जाना। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान हमें दिखता है, क्लॉकवाइज चक्र का निशान सूर्य के फिंगर पर, इंसान को इंडिपेंडेंट बनाता है, इंसान जीवन में काफ़ी कुछ अचीव कर पाता है, ग्रोथ सक्सेस काफ़ी कुछ मिलती है। अब ये देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से
ये देखिए कट्स। तो ये जैसे मैंने कहा गायत्री मंत्र के जाप से, क्योंकि हाथ में देखिए जितने ज़्यादा कट्स होते हैं तो इसमें घबराने की बात नहीं है। मैं को ये नहीं कि हमारा कोई इस वीडियो से कि नेगेटिविटी फैलाएं। ये क्या होता है कि जितने भी आपके काम बन रहे हैं, लेट्स से अभी आपका हार्ट डिज़र्व करता है 95%, 98%, लेकिन क्या है आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं 60% के, तो गायत्री मंत्र के जाप से इंसान जो है एकदम 92-93% पर पहुँच जाता है। अब यहाँ पर जो है ये देखिए, ये इस प्रकार का उड़ने लूप हमें दिख रहा है। तो इजी मनी के पीछे ना भागे, स्टॉक शेयर मार्केट जुआ सट्टा लॉटरी इस तरह की चीज़ें सूट नहीं करती हैं। ये देखिए इस तरह की नेगेटिव लाइंस, ये क्या होता है आपने लोगों पे जल्दी विश्वास कर लेना, फ्रेंड्स फेक फ्रेंड्स और रियल फ्रेंड्स में अंतर समझना इनके लिए ज़रूरी रहेगा। और यहाँ पर देखिए हाथ में, अब चलते हैं थंब की ओर, देखें इनका थंब हमें क्या बताता है। अब देखिए हाथ में इस प्रकार का उड़ना लूप है, अपने परिवार से बहुत प्यार करना, परिवार के लिए जाना छावर करना। ये देखिए यहाँ पे चिंता की रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत टेंशन में है। ये देखिए ये आपका चिन्ह है। देखिए अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म लेना, परिवार की मान मर्यादा को फॉलो करना, विल पावर काफ़ी अच्छी है, लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र भी अच्छा है। अगर हम देखें तो मजबूत सशक्त अंगूठा एकदम स्ट्रेट है, तो जो ठान लिया सो ठान लिया, मुझे करना है मैं कर दिखाऊंगी, इस तरह की चीज़ें होना। लाइन ऑफ ट्रेवल्स हाथ में काफ़ी अच्छी हैं, लाइन ऑफ डिज़ायर लाइन ऑफ फैमिली हाथ में अच्छी है। अब देखिए गुरु की फिंगर पर यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड में बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान है, जो बताता है कि नॉलेज बहुत अच्छे गाइड मेंटोर बनते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे गाइड मेंटोर बनते हैं, और लोगों को अच्छी बात सिखाना अच्छी बात बताना ये इनके अंदर गुण देखा जाता है। यहाँ पर देखिए अगेन ये उड़ना लूप है राइट हैंड की तरह से, तो क्या होता है ऐसे में इंसान ना जैसे इनको एक लेसन्स ऑफ लाइफ बहुत अच्छा लेते हैं, ज़िंदगी से सीखना आगे में ये गलतियाँ मुझे नहीं करनी है, ये सब चीज़ों का ज्ञान बहुत अच्छा होता है। अब देखिए यहाँ पर बात करें तो ये चक्र का निशान अगेन यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान हमें इनके हाथ में दिखता है सूर्य की फिंगर पे। राइट हैंड में भी हमने चक्र का निशान देखा था। तो इंसान अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ सक्सेस पाता है, नेम फेम और अपने बलबूते पे राइज करना, ये सारी चीज़ें गुण देखी जाती हैं। अगर बात करें यहाँ पर भी अगेन एक बहुत ही बढ़िया बुध की फिंगर पर चक्र का निशान है, तो ऐसे में क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इनका बहुत अच्छा होता है। टैक्टफुल नेचर लॉजिक रीजनिंग ऑब्जर्वेशन पावर ये सब गुण इनके अंदर बहुत अच्छे देखे जाते हैं। अब चलते हैं हाथ में थंब की ओर, देखें थंब पे हमें क्या मिलता है। अब देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से उड़ना लूप हमें देखने को मिल रहा है राइट हैंड की तरह, अपने परिवार पर जान छावर करना, अपने परिवार के बारे में बहुत सोचना, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर देखिए ये तकरीबन 35 पे एक चेंज, ये बहुत बड़ा चेंज दिखा रहा है, ये आपका चिन्ह है और ये चेंज भी दिखा रहा है, आगे जीवन में ग्रोथ सक्सेस भी दिखा रहा है। इनके हाथ में अगर हम बात करें तो हमें ये गिविंग वाला हैंड है, लोगों के लिए काफ़ी कुछ करना, करियर में ग्रोथ सक्सेस पाना, इस तरह का हैंड हमें दिखाई देता है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड में हमने गुरु की फिंगर पर चक्र का निशान देखा, सूर्य की फिंगर पर और साथ में बुध की फिंगर पर, तो ये तीनों चक्र के निशान इंसान को बलशाली बनाते हैं। और ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड के चक्र के निशान है। लेफ्ट हैंड जो होता है वो हैंड होता है जो हम लेके आए होते हैं इस दुनिया में, तो परिवार से बहुत सपोर्ट मिलना ये चीज़ ये दर्शा रहा है, पारिवारिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा है इनका। और राइट हैंड की बात करें तो राइट हैंड में सूर्य की फिंगर पे हमें चक्र का निशान देखने को मिला, तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे दोनों सूर्य की फिंगर का चक्र का निशान इंसान को अच्छी ग्रोथ सक्सेस टाइम टू टाइम राइज करना ये बहुत दिखाता है, साथ ही साथ पिता का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा है। तो ओवरऑल देखें तो चार चक्र के निशान हमें इनके हाथ में बहुत बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, जो आगे जीवन में अच्छा सपोर्ट करते रहेंगे। अब चलते हैं इनके हाथ में राइट हैंड पर, देखें कि वहाँ पे हमें क्या सिंबल्स मिलते हैं और वहाँ के माउंट्स हमें क्या बताते हैं। अब देखिए ये बहुत ही बढ़िया एपेक्स का चिन्ह हमें दिखता है, गुरु पर्वत अच्छा है इनका, तो पारिवारिक सपोर्ट काफ़ी अच्छी है ये, और टाइम टू टाइम नॉलेज अपडेट करना। साथ ही साथ ये देखिए एक स्टार का चिन्ह भी हमें दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से अनएक्सपेक्टेड गेंस भी जीवन में दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए हाथ में यहाँ पर शनि पर्वत अच्छा है, और साथ में देखिए लोटस का चिन्ह हमने देखा ही था, लक्ष्मीवान तो बनाता ही है, और जीवन में अच्छी तरक्की दिलाना, पैसे रुपए की कमी न थी न है न कभी रहना,
और एपेक्स का चिन्ह हमें बताता है कि ऊपर वाले की शक्ति का हाथ होना। यहाँ पर देखिए इनके हाथ में एक हमें देखिए पूर्व पुण्य रेखा, पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल मिलना। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक लोटस का चिन्ह यहाँ फॉर्म हो रहा है इस प्रकार से। तो ये भी इंसान को क्या होता है, तरक्की मिलना और जैसे इनहेरिटेंस भी मिलना, पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलना, इनहेरिटेंस मिलना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। साथ ही साथ जैसे ये जो लोटस का चिन्ह है ये इंसान को जीवन में अच्छी तरक्की दिला रहा है, नेम फेम सक्सेस ये सब चीज़ें। अब यहाँ पर बुध पर्वत की बात करेंगे तो बुध पर्वत भी अच्छा है, लॉजिक रीजनिंग एनालिटिकल पावर्स बढ़िया हैं और हमदर्दी भरा स्वभाव काफ़ी है, बहुत जल्दी पिघल जाना, इस तरह की चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। अब देखिए हाथ में यहाँ पर मंगल पर्वत इनके मीडियम हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल एक मीडियम कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है। यहाँ पर अंदरूनी अगर बात करें अंदरूनी कॉन्फिडेंस की, जैसा होता है ना अंदर से ऊपर से तो लग रहा है कि बहुत नॉर्मल दिख रहे हैं लेकिन अंदर से थोड़ी घबराहट हमें दिखाई देती है यहाँ पर। तो जैसा होता है ना चीज़ों को लेकर सोचना कि भाई करें करें ना करें, थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ी सी कम दिखती है। यहाँ पर देखिए हाथ में चंद्र पर्वत, ये चंद्र पर्वत अच्छा खासा है। तो ऐसे में क्या होता है कि इंसान को देखिए यहाँ पर काफ़ी क्रॉसेस हैं तो मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम भी कई बार इनको होता होगा, जैसे जल्दी गुस्सा हो जाना फिर जल्दी मान जाना, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। और साथ ही साथ क्या होता है ऐसे लोग प्योर हार्ट वाली सोल होते हैं। यहाँ पर देखें शुक्र पर्वत, ऐसे ही लोग क्या होता है कि जीवन में कि जैसे एक होता है ना कि सादा जीवन उच्च विचार, इस तरह की चीज़ों पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस ये लोग करते हैं। और इनके अंदर जैसे क्या होता है कि लाइफ में कि मुझे अपने परिवार पहले है बाकी सारी चीज़ें बाद में, ये इस तरह की सोच वाली पर्सन लगती हैं। अब चलते हैं इनके हाथ में लेफ्ट हैंड पर, देखें वहाँ हमें क्या मिलता है। और एक इनका क्वेश्चन था कि हेयर फॉल की वजह से, देखिए हेयर फॉल क्या है, जब हाथ में इतने कट्स क्रॉसेस होते हैं तो ऐसा हमने देखा है कि इंसान को ओवरथिंकिंग का प्रॉब्लम भी होता है और ये कट्स क्रॉसेस जो होते हैं ना नर्वस सिस्टम पे भी इम्पैक्ट करते हैं, उससे इनका हेयर फॉल है। तो मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि डेली जो है 5 मिनट जो है अर्ली मॉर्निंग सूर्य की पहली किरण में ये बैठें तो उससे इन्हें लाभ मिलेगा, उससे जो है इन्हें इनका सूर्य भी और प्रबल होगा। हालांकि सूर्य अच्छा है लेकिन जो जैसे यहाँ पर अगर हम देखें कट्स क्रॉसेस जो है ये क्या होता है, कट्स क्रॉसेस जब फार्मेस्ट्री में ये उपाय ये होता है कि जब कोई भी बीमारी है और उस और ये कट्स क्रॉसेस हाथ में जब दिख रहे हैं तो कट्स क्रॉसेस को नलीफाई करने के लिए भी सूर्य का ये जो सन सूर्य की किरणें हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं। ये भी एक तो गायत्री मंत्र का जाप भी और साथ में सूर्य पर बैठना सुबह डेली 5 मिनट उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अब देखिए हाथ में यहाँ पर ये गुरु पर्वत ये थोड़ा दबा हुआ है, परिवार को मिस करना इस तरह की चीज़ें, देखिए गुरु वाला बन रहा है, अध्यात्म की ओर रुझान होना, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। और यहाँ पर बात करें ये देखिए ये शनि पर्वत का दबा हुआ होना, मन में थोड़ा सा जैसे टेंशन होती है घबराहट होती है वो चीज़ थोड़ी सी दिखाई दे रही है। यहाँ पर बात करें तो ये देखिए यहाँ पर एक ट्री का सिंबल है जो जीवन में अच्छी ग्रोथ भी दिखा रहा है, टाइम टू टाइम ग्रोथ सक्सेस दिख रही है। और ये देखिए ये देखिए राइट हैंड होता है हमारे कर्म का हैंड जो हम जीवन में खुद अपने हाथ से बनाते हैं, राइट हैंड बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी कि ये देखिए इनके हाथ में सूर्य पर्वत यहाँ दबा हुआ है और यहाँ पर देखें तो काफ़ी कट्स क्रॉसेस भी हमें देखने को मिल रहे हैं तो ये भी हेयर फॉल का कारण होता है। अब ये देखिए यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया ट्री का सिंबल यहाँ पर भी हमें दिख रहा है, ये और पूर्व पुण्य रेखा जा रही है कि पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल, और साथ में ये जो ट्री का सिंबल है ग्रोथ सक्सेस आगे दिखा रहा है कि जो भी काम करेंगी उसमें अच्छी ग्रोथ सक्सेस ये बनाएंगी। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि ये देखिए ये त्रिशूल का निशान बहुत ही बढ़िया त्रिशूल का निशान बन रहा है। तो क्या होता है देखिए बुध की रेखा है, थोड़ा स्वास्थ्य रिलेटेड ये धन की ये स्वास्थ्य की रेखा भी है धन की रेखा भी है, स्वास्थ्य पे इसलिए इम्पैक्ट है, देखिए डिस्टर्बेंस है और ये आपका चिन्ह आना ये, तो इनको एक अच्छा जैसे कहते हैं ना कि ट्रीटमेंट्स
से इनका थोड़ा टाइम में रिलीफ मिलेगा, और जो मैंने उपाय बताए हैं वो उससे भी इनको रिलीफ मिलेगा, धन की कमी इनको नहीं रहेगी। त्रिशूल नुमा निशान जीवन में कुछ बड़ा अवश्य करके दिखाते हैं, अपने बलबूते पे बड़ा करना। अगर हम देखें हाथ में, तो देखिए इनके हाथ में हमने चार चक्र के निशान भी देखे, सूर्य की दोनों फिंगर पे चक्र के निशान देखे, और भी हमने जो पॉजिटिव चीज़ें देखी इनके हाथ में, लोटस के चिन्ह देखे, तो ऐसे इंसान के जीवन में ग्रोथ सक्सेस अश्योर्ड आती है, खुशियाँ ग्रोथ सक्सेस ये सब चीज़ें दिखती हैं। अभी देखिए यहाँ पर बुध पर्वत थोड़ा सा कमज़ोर है, तो जैसे क्या होता है कि फीमेल्स का, जैसे बहुत से लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड देखें कि राइट हैंड देखें, तो लेफ्ट हैंड उन फीमेल्स का देखना चाहिए कि जो फाइनेंशली टोटली लाइफ में एक होमली होती हैं, जो जैसे पहले शादी से पहले पापा पे डिपेंड है और शादी के बाद हस्बैंड पे डिपेंड है, लेकिन जो करियर ओरिएंटेड फीमेल्स होती हैं तो उनका राइट हैंड देखना चाहिए। इसलिए हमने ये करियर ओरिएंटेड है, इसलिए हमने इनका राइट हैंड देखा। यहाँ पर भी देखें तो अभी फ़िलहाल के लिए तो बुध थोड़ा सा, अगर ये ग्रीन कलर का यूज़ अपने जीवन में बढ़ाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे टाइमर चल रहा है, इसी तरह का ग्रीन कलर का हैंकी रखें, ग्रीन कलर का टॉप, इस तरह की चीज़ें इनके लिए अच्छी रह सकती हैं। यहाँ पर इनके हाथ में देखें तो ये देखिए, ये मंगल पर्वत, यहाँ मंगल पर्वत अच्छे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्टेड अप है, मुझे ये करना है, मैं करके दिखाऊंगी, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पर देखिए इनके हाथ में चंद्र पर्वत भी अच्छा है, देखिए अगेन लेकिन कट्स क्रॉसेस, बहुत कट्स क्रॉसेस जो है, तो वही जो रेमेडी है गायत्री मंत्र की, उससे सब सॉल्व होगा। ये देखिए यहाँ पे, ये बहुत ही बढ़िया भाग्य रेखा बहुत अच्छी है इनकी, देखिए फॉरेन कंट्री से टोटल लाभ दिखा रही है, टोटल बेनिफिट्स दिख रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए फॉरेन कंट्री से बेनिफिट्स, और आगे हम देखेंगे, ये देखिए चंद्र पर्वत इनका अच्छा है, लाभ देगा, यात्राओं से लाभ मिलना, इस तरह की चीज़ें, लाइन ऑफ डिज़ायर्स बहुत अच्छी है, शुक्र पर्वत भी यहाँ अच्छा है, लाइफ को लग्जूरियस बनाएगा। यहाँ पर इनके हाथ में हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पर एक जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा आगे तक चल रही है, तो पेरेंटल सपोर्ट जीवन में काफ़ी आगे तक चल रहा है। यहाँ पर किसी का बचपन से काफ़ी अच्छा सपोर्ट, पेरेंट का किसी का बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, पेरेंट से बहुत सपोर्ट इनको मिलता रहेगा। आगे भी अगर हम देखें तो ये देखिए ये मस्तिष्क रेखा थोड़ी सी डार्क हो जाना, तो यानी कि नए माहौल में ढलने में थोड़ा समय लगता है, नए माहौल में ढल रहा है इंसान, और उसके बाद देखें तो धीरे धीरे चीज़ें बेटरमेंट की ओर जा रही हैं। और ये देखिए 50 इयर्स पे काफ़ी अच्छा कुछ बड़ा अचीव कर लेना ये दिख रहा है, हालांकि इनके हाथ में 35 पे भी चेंज है, 30 पे भी चेंज इनके हाथ में दिख रहा है। और यहाँ पर बात करेंगे, देखिए इनकी जीवन रेखा की अच्छी भली जीवन रेखा चल रही है, और ये देखिए ये चेंज आ रहा है, ये प्रेजेंट समय को दर्शा रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 35 इयर्स की एज पे भी एक बड़ा चेंज हमें दिखता है, एक 30 पे दिख रहा है, 35 पे दिख रहा है, और यहाँ पर भी ये देखिए ये तकरीबन 42-44 पे भी एक चेंज दिख रहा है। और यहाँ पर देखें तो ये देखिए रेखा इधर की ओर, जैसा होता ना वापस, जैसे मैंने पूछा कि इंडिया में सेट होगी कि फॉरेन कंट्री में, तो ये बाद में सोचेंगी कि फॉरेन कंट्री से वापस आ जाएं। अब यहाँ पर देखें तो इनकी ये जो भाग्य रेखा इस प्रकार से चल रही है बहुत बढ़िया, और इसको थोड़ा और हम देखेंगे स्टडी करते हुए। ये देखिए यहाँ पर प्रेजेंट समय में काफ़ी ट्रेवल्स भी हैं, चेंजेस भी इनके चल रहे हैं, तो हर दो दो तीन तीन साल में चेंज आना। और यहाँ पर ये देखिए 28 वर्ष के आसपास ये शादी करने का इनका योग बनेगा, और यहाँ पर 30 पे चेंज है, 35 पे, 38 पे चेंज इनके हाथ में दिख रहे हैं, फिर 42-44 पे चेंज है, 50 वर्ष के आसपास भी इनके जीवन में बड़ा चेंज दिख रहा है। और अब बात करते हैं हृदय रेखा की, तो ये देखिए हृदय रेखा में डिस्टर्बेंसेस, देखिए कोई ऐसे डर की बात नहीं होती, लेकिन हाँ परिवार वालों को इंसान मिस करता है, तो यूजुअली फॉरेन कंट्री में जो लोग होते हैं तो वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कि हाथ में थोड़ा सा इस तरह का मिस करना है लोगों को। और यहाँ पर भी ये देखिए शूल टाइप की रेखा है, तो सबके लिए बहुत कुछ करना, तो हेल्पफुल नेचर होना, प्यार भरा नेचर होना। अब अगर हम बात करें इनके दोनों हैंड्स की, तो काफ़ी अच्छे हैंड्स हैं, और काफ़ी प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस हमें इनके हाथ में दिखाई देती है, जीवन में अच्छी ग्रोथ हमें दिखती है। और जैसे कि होता है ना कि शादी भले ही लव मैरिज करना, लेकिन पेरेंट्स की रजामंदी से करना, वो सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, पहले मेरे लिए मेरा परिवार है, बाकी सब चीज़ें बाद में, इस तरह की सोच हमें दिखती है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ आएँ, खूब राइज करें। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस, धन्यवाद।